अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से गर्दिश कर रहा है कि क्या मुझे टिकटॉक पे आ जाना चाहिए, क्या मुझे टिकटॉक बनानी चाहिए और क्या मुझे यूट्यूब के अलावा भी कुछ और स्ट्रीम्स जो शॉर्ट वीडियो स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि आजकल तो टिकटॉक ही चल रहा है, उसको बनाना चाहिए या उस पर आना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जनाब, आज इसी हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक अरसे से टिकटॉक बड़ा बदनाम ज़माना चलता हुआ आ रहा है और इसकी बहुत बड़ी वजह हमारे लोगों की हरकतें हैं। कभी टिंग टिंग, कभी टंग टंग, कभी टंग टंग करते रहते हैं लोग, ठीक है। अब जब ये हरकतें हो रही हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो टिकटॉक नहीं देखना चाहते, और कोई टिकटॉक बना रहा है या टिकटॉक के बारे में बात करता है या पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है उसके हवाले से, तो उसको भी नेगेटिव समझा जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कुछ है। तो ऐसा कुछ देखने के बाद भाई किसी की फैमिली ये पसंद नहीं करेगी कि वो टिकटॉक बनाए या टिकटॉक पर आए। लेकिन जनाब, हम देख रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया के अंदर टिकटॉक बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बोलूं कि दुनिया के अंदर आपका जो सोशल मीडिया होता है वो आपकी सोसाइटी की अक्कासी करता है, यानी कि सोसाइटी में जैसे लोग होंगे वैसा सोशल मीडिया होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक इंडिविजुअल रन कर रहा होता है, ये मेरे और आपकी आईडीज के थ्रू चल रहा होता है। यानी कि अगर हम दिखाते हैं कि एक टिकटॉकर के पास 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब 7 मिलियन फॉलोअर्स आसमान से नहीं उतरे, 7 मिलियन फॉलोअर्स मैं और आप ही हैं। तो बात दरअसल ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया के अंदर मीडियम्स जो हैं वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से हम देखते हैं, पहले टेलीविज़न पर हम 3 घंटे की फिल्म देखा करते थे, फिर 40 मिनट का, 38 मिनट का ड्रामा आने लगा, उसके बाद हम फेसबुक पर आ गए, फेसबुक से यूट्यूब की तरफ गए, यूट्यूब में आज हम छोटी छोटी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, 3 मिनट, 4 मिनट। मैं आज 5-6-7 मिनट की वीडियो बना दूंगा, आप लोग नहीं देखेंगे, तो क्योंकि लोगों का रिटेंशन टाइम बहुत कम है। हम वीडियोज़ में हमें नज़र आ रहा होता है कि लोग शुरू के बहुत 1 या 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो ग्राफ होता है वो डिक्लाइन का शिकार होता है। तो जनाब, बात यह है कि अब दुनिया में लोगों का रिटेंशन टाइम कम होता जा रहा है, इसी वजह से हमारी यूट्यूब की स्टोरीज, हमारी फेसबुक की स्टोरीज, हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरीज मकबूलियत ज़्यादा हासिल कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू IGTV वीडियोस के और फेसबुक के या यूट्यूब की बड़ी वीडियोस से, क्योंकि लोगों को 15-20 सेकेंड का एंटरटेनमेंट कंटेंट चाहिए और वो बहुत जल्दी जल्दी स्विच करना चाहते हैं। यही वजह है कि टिकटॉक आगे बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये, टिकटॉक कैसी बनाई जाए? और हम देखते हैं कि जापनीज टिकटॉक बहुत ज़बरदस्त टिकटॉक होती है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ऐसी टिकटॉक को बनाने के ऊपर हमें फॉलोअर्स मिलेंगे, क्या लोग हमें देखना पसंद करेंगे? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में शायद ऐसे टिकटॉक कंटेंट को लोग पसंद ना करें। तो मैं इसी कश्मकश का शिकार हूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ तो क्या करूँ, ना करूँ तो क्या ना करूँ। आपके जहन में कोई भी चीज़ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। इसके साथ ही अब्दुल्ला शाहमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।